पन्ना जिले के गुनौर में शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित कन्या छात्रावास में प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जहां सुभाष चंद्र बोस नाम के छात्रावास में अधीक्षिका के पति एवं अन्य लोग आधी रात तक विश्राम फरमाते हैं, जबकि कन्या छात्रावास में किसी भी पुरुष का रात्रि के समय रहना अनुचित है। जहां इस पूरे मामले में मीडिया के द्वारा अवगत कराने के बाद डीपीजी और जिला सीईओ जांच की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। एक वीडियो मेरे व्हाट्सएप पे जो डाला गया है, उसमें मैं उसकी जांच करवा लूँगा, सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी ले लूँगा और दिखवाऊँगा। अगर वो वीडियो सही है तो हॉस्टल वार्डन के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वार्डन लापरवाही कर रही है, वहाँ पर लोगों का आना जाना लगा है और सीसी कैमरा है, कितनी बड़ी लापरवाही है। और कौन सा छात्रावास है वो छात्रावास का नाम आप ही बता सकते हैं, क्योंकि वीडियो में नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा छात्रावास है। नहीं, गुनौर का छात्रावास है तो उसकी हम जांच करवा लेंगे। तो कौन सा छात्रावास है, आपको तो मालूम होगा ना, आप अधियो साहब हैं। वहाँ पर हमारा बालिका छात्रावास स्थापित है, सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास। शाम को 6 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति का वहाँ प्रवेश वर्जित रहता है। लेकिन वहाँ पर नहीं, हम जांच करवाएंगे और अगर कोई दोषी है तो कार्रवाई होगी। उस कब तक जांच करवाएंगे सर? नहीं, जांच हमें इसी हफ्ते में करवा देंगे। नहीं, इस बारे में मैं सारे रूल्स देख लूँगा, उसके अनुसार कार्रवाई करूँगा।